Hey darlings। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो मूवी थिएटर के बाहर किसी का वेट कर रही है। इस लड़की का नाम है बद्रू और फिर उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम हमजा है। बद्रू उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो आने में लेट हो गया था। वो बताता है कि आज उसका इंटरव्यू था और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और इसी साल वो बद्रू से शादी करने की बात करता है। कहानी 3 साल आगे जाती है और हम देखते हैं कि दोनों की शादी हो गई है। खाना खाते समय हमजा के चावलों में कंकड़ आ जाता है। बद्रू अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो उसके हाथ में थूक देता है, लेकिन इसकी वजह से उसका मुंह थोड़ा खराब हो गया था। जब वो दूसरी बार खाना खाता है दोबारा उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है। हमजा उसकी अच्छे से कुटाई कर देता है। अगले दिन हमजा उससे कल रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि कल उसने कुछ ज्यादा पी ली थी। वो उसके बनाए हुए ऑमलेट की फोटो खींच कर फेसबुक पर डालता है और कैप्शन में लिखता है वर्ल्ड्स बेस्ट ऑमलेट मेड बाय माय वाइफ। वो उससे कहता है कि वो आज जो बोलेगी वो वही करेगा। अब बद्रू को चाहिए एक बच्चा, लेकिन हमजा तैयार नहीं है। वो कहता है कि किसी दिन वो मूड में हुए और बच्ची रो पड़ी तो मूड की लग जाएगी। बद्रू कहती है उसे बेबी नहीं बाबा चाहिए और उसने बाबा का नाम भी सोच कर रखा है। बद्रू उसे किसी बिल्डर से मिलने के लिए बोलती है, जिसके बाद हमजा का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। उसे शांत करने के लिए उसे गले लगाती है। उसके बाद हम बद्रू के फ्यूचर प्लान्स के कुछ नोट्स देखते हैं कि उसे कौन से साल क्या क्या करना है। उसके बाद बद्रू अपनी अम्मी के पास जाती है जो सामने वाले घर में रहती है। वो किसी के घर के गमले से कड़ी पत्ता चुरा रही थी और जब वो बद्रू के गले में निशान देखती है वो पूछती है कि अब क्या हुआ। बद्रू बताती है कि खान में कंकड़ आ गया था। अम्मी उसकी ये हालत देखकर उसे अपना सामान बांध कर उसके पास आने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमजा ने बद्रू के चेहरे को भी धोबी गार्ड बना कर रख दिया है और एक दिन उसे इतना मारेगा कि वो मर जाएगी, लेकिन बद्रू मायके आने से मना कर देती है। उसके बाद हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमजा टॉयलेट साफ कर रहा है। वो असल में टीटी है, लेकिन स्टेशन मास्टर उसका यूज टॉयलेट साफ करने के लिए करता है। उसके बाद हम जुल्फी से मिलते हैं जो चोर बाजार का सामान इधर उधर कर अपना काम चलाता है। वो अम्मी के पास आता है। अम्मी को एक मिक्सी पसंद आती है जिसकी कीमत जुल्फी 400 रुपए बताता है, लेकिन अम्मी बस 100 रुपए देना चाहती थी। तभी वहाँ बद्रू आ जाती है चाय लेकर और उसे देख जुल्फी 50 रुपए में मिक्सी बेच कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एक मेडिकल शॉप जाती है और हमजा की दारू छुड़वाने की दवा लेती है और हमजा से इस बारे में बताने को मना करती है। उस दवा को मटन करी में मिला देती है। वहाँ ठेके पर वही मेडिकल शॉप वाला हमजा से बताता है कि उसने किसी से सुना है कि वो कल से दारू छोड़ रहा है। हमजा कहता है कि वो क्यों छोड़ेगा दारू, और जब वो घर आता है बद्रू बताती है कि आज उसने मस्त मटन करी बनाया है। हमजा को कुछ झोल लगता है और वो बद्रू से खाना टेस्ट करने के लिए कहता है। बद्रू कहती है कि वो खाना खा चुकी है, उसे भूख लगी थी। हमजा फिर से बद्रू को धमकाता है और पूछता है कि उसने खाने में क्या मिलाया है। बद्रू बता देती है कि उसने दवाई मिलाई है उसकी दारू छुड़वाने के लिए। इस बात पर हमजा फिर से उसे कूटने लगता है और नीचे पार्लर तक उनकी आवाजें जाती है। बद्रू सारा खाना डस्टबिन में डाल देती है। हमजा पूछता है कि क्या वो चाइनीज ऑर्डर करे। बद्रू गुस्से में और सो जाती है। अगले दिन बद्रू अपनी अम्मी को खिड़की से इशारों में बताती है कि कल का प्लान फेल हो गया। अम्मी उससे कहती है कि चूहे मारने वाली दवाई खाने में डाल दे, जिंदगी भर दारू नहीं पिएगा और एक ना एक दिन सबको मरना है। लेकिन बद्रू के दिमाग में कुछ और प्लान था और वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है। उसने रेड हील्स और ड्रेस मंगवाई थी, फिर वो कॉन्डोम में छोटे छोटे छेद कर देती है। प्लान था कॉन्डोम का यूज करके हमजा को धोखा देना ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। परफ्यूम लगाकर वो मस्त तैयार हो जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और बद्रू अपनी पोजीशन ले लेती है, लेकिन दरवाजे पर रमन काका होते हैं और बताते हैं कि बिल्डर आया है और बिल्डर वहाँ मौजूद सब लोगों को उनके घर के बदले आलीशान फ्लैट दिलवाने की बात करता है, लेकिन सिर्फ हमजा की वजह से उनका ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तभी वहाँ हमजा आ जाता है और बद्रू को वहाँ देख उसे काफी गुस्सा आता है। वो उसे धमकाने लगता है। बद्रू से काफी समझाने की कोशिश करती कि उन्हें एक अच्छे फ्लैट की जरूरत है, लेकिन हमजा सुनने को तैयार नहीं है। तभी हमजा की नजर उन रेड हिल्स पर जाती है जो बद्रू ने आज रात के कार्यक्रम के लिए खरीदी थी। हमजा उस हिल से बद्रू के साथ खेलने लगता है और कहता है कि अगर हिल्स ने उसकी उंगलियों को छुआ तो वो यहीं रहेंगी, नहीं तो वो 4 BHK के लिए मान जाएगा।
हील्स लगने की वजह से बद्रू की उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। अगली सुबह हमजा बद्रू को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे नाराज है। हमजा कहता है कि उसने किसी दूसरे बिल्डर से बात कर रखी है जो उन्हें इस घर के डबल पैसे देगा, इसीलिए वो उस बिल्डर को लटका रहा है। हमजा के जाने के बाद वहाँ जुल्फी आता है और बद्रू की घायल उंगलियों को देख कर पूछता है कि क्या हुआ। बद्रू गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। बद्रू अपनी अम्मी के साथ होती है और कहती है कि कल रात उसके दिमाग में हमजा का काम तमाम करने का ख्याल आया था। तभी उसकी अम्मी को पुलिस थाने से फोन आता है और वो उन्हें पुलिस थाने आने को कहता है। दरअसल जुल्फी ने हमजा की कंप्लेंट करी थी कि वो अपनी बेगम को मारता है और हमजा पर केस चलाने के लिए जुल्फी ने पुलिस वाले को मोबाइल फोन की घूस दी थी। हमजा को थाने लाया जाता है और बद्रू को उसके खिलाफ कंप्लेंट करने को कहा जाता है। बद्रू मान जाती है। वो आखिरी बार हमजा को अलविदा कहने के लिए जेल के अंदर जाती है लेकिन हमजा उसे अपनी बातों में बहलाने लगता है और कहता है कि वो उसे प्यार करता है, अगर नहीं करता तो उसे मारता क्यों, और वो भी उसे प्यार करती है वरना इतना सब कुछ सहन क्यों करती। और वो उसे एक बच्चा देने का वादा करता है 3 साल बाद क्योंकि उसे जेल की सजा होने वाली है। उसके बाद वो उनके लिए 4 BHK का घर भी लेगा। बद्रू कंफ्यूज हो जाती है, उसे पूछती है कि क्या वो सच में बच्चा होने के बाद दारू नहीं पिएगा। हमजा कहता है नहीं, बाप को देखकर बच्चा भी पीने लगा तो। बद्रू अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। हमजा को छोड़ दिया जाता है। अम्मी जान बद्रू को समझाने की कोशिश करती है और उसे कहानी सुनाती है, बिच्छू और मेंढक की। इस कहानी को आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। वो कहती है कि कुछ लोग बिच्छू होते हैं, कभी नहीं बदलते, काटना उनकी फितरत होती है। बद्रू कहती है कि हमजा वैसा नहीं है, वो उसे प्यार करता है। उसके बाद वो हमजा के साथ चली जाती है। हमजा को लगता है कि उसकी सासू माँ ने उसकी कंप्लेंट की थी और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। अम्मी उसे नामर्थ कहकर बुलाती है जिस पर हमजा अम्मी की नाक पर जोर से मुक्का मार देता है। अम्मी टैक्सी से उतर जाती है और बद्रू को हमजा और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। बद्रू की खामोशी को वो समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बद्रू अम्मी जान को खिड़की से देखती है लेकिन अम्मी उसे और उसकी कॉल को इग्नोर कर देती है। उधर जब हमजा अपने काम पर होता है अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसका लीवर खराब हो रहा है और उसे दारू छोड़नी पड़ेगी। हमजा जब घर आता है तो बद्रू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हमजा कहता है कि आज से दारू बंद। बद्रू को लगता है कि वो ये सब बच्चे के लिए कह रहा है। अब बेचारी बद्रू को क्या पता कि उनके शौहर का लीवर डैमेज हो रहा है। उधर जुल्फी अम्मी के साथ उनके बनाए गए खाने का वीडियो बनाकर फेसबुक में डाल देता है ताकि लोग फोन करके उनके खाने का ऑर्डर दें। बद्रू अम्मी के पास आती है और अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनाती है। अम्मी खुश हो जाती है और फिर पीछे से हमजा आकर अम्मी से माफी मांगता है। फिर वो जुल्फी को घूरने लगता है। उधर ट्रेन के नीचे आने से एक आदमी की मौत हो जाती है और हमजा उसके सेल फोन चुरा कर बद्रू को गिफ्ट कर देता है। हमजा अभी भी यही जानना चाहता है कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किसने की थी और वो पुलिस वाले को एक चोर के खिलाफ टिप देकर उसे जुल्फी का नाम पता कर लेता है और जुल्फी के साथ स्कूटी में बैठकर उसे डेंजरस लुक देने लगता है। उसे पता चलता कि बद्रू को भी पता था कि उसकी पुलिस कंप्लेंट जुल्फी ने की है। हमजा के जाने के बाद जुल्फी बद्रू को फोन करता है, बताता है कि हमजा को पता लग गया है उस कंप्लेंट के बारे में। बद्रू घबरा जाती है। हमजा जब घर आता है बद्रू दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। हमजा जोर से दरवाजे को खोल देता है। बद्रू बाथरूम में छिपी होती है। फिर वो बद्रू का फोन चेक करता है और लास्ट कॉल में जुल्फी का नाम था। फिर वो बद्रू को बाथरूम से निकाल कर पीटने लगता है। उसे लगता है कि उसका जुल्फी के साथ संबंध है और फिर उसे सीढ़ियों से गिरा देता है। फिर हम बद्रू को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसका मिसकैरेज हो चुका था। वो खिड़की से कूद कर सुसाइड करने का सोचती है लेकिन फिर मन बदल लेती है। वो डॉक्टर से नींद की दवाइयाँ मांगती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब अम्मी बद्रू के घर आती है उसे हमजा बेहोशी की हालत में कुर्सी से बंधा मिलता है। बद्रू पीछे से आती है और कहती है कि उसने हमजा को नींद की गोली दी है और अब वो बॉलिंग छोड़ बैटिंग करेगी। फिर वो अपने फ्यूचर प्लान्स में से हमजा का नाम हटा देती है और उसके दिए गए सारे गिफ्ट्स को एक पोटली में डाल देती है और फिर वो लाल ड्रेस और हील्स पहनकर हमजा के पास आती है। हमजा को होश आ जाता है। अब वो हमजा से बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। हमजा उसे धमकाता है। बद्रू अपनी हील्स निकालती है और वही गेम खेलने लगती है जो हमजा का फेवरेट है और उसकी उंगली को जख्मी कर देती है। हमजा पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी हमजा के ऑफिस से फोन आता है। बद्रू फोन लेकर अंदर चल जाती है और बताती है कि हमजा गाँव गया है, उसके पापा की डेथ हो गई है। बाहर हमजा कांच के टुकड़े से हाथों की रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था और अगली सुबह उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है और वो बद्रू को मारने की कोशिश करता है लेकिन अम्मी जान पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है और वापस से उसे चेयर से बांध दिया जाता है। अगले दिन वो कसाई के पास जाती है।
जिसका एक दोस्त पागलखाने में काम करता है। उसकी मदद से उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन मिल जाते हैं और इसका यूज वो हमजा पर करते हैं। उधर जुल्फी पुलिस वाले से किडनैपिंग करने के चार्जेस पूछता है। बद्रू पुलिस के पास जाती है और हमजा की झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस को लगता है कि बद्रू और जुल्फी का अफेयर चल रहा है और इन्हीं दोनों ने हमजा को गायब किया है। उधर जुल्फी हमजा के साथ है और हमजा उसे अपनी बातों में बहला लेता है। पुलिस हमजा के घर आती है और जुल्फी बद्रू को बताता है कि उसने हमजा को भगा दिया है, जिस पर अम्मीजान जुल्फी पर हमजा को किडनैप करने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि वन साइड लव का मामला है। पुलिस जुल्फी से पूछताछ करने लगती है, लेकिन जुल्फी बताता है कि वो अम्मीजान से प्यार करता है। ये सुन सब शॉक्ड हो जाते हैं। अम्मीजान जुल्फी को किस कर लेती है। उधर हमजा पुलिस के पास पहुंच जाता है और वो अभी भी दवाई के नशे में है। हमजा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बीवी और सास ने उस पर जुल्म किए हैं। पुलिस को लगता है कि उसने पी रखी है। बद्रू आकर उसे ले जाती है और छत से फेंकने की तैयारी करती है ताकि सबको ये लगे कि नशे की हालत में हमजा ने सुसाइड कर लिया। हमजा उससे माफी मांगता है, जिसके बाद बद्रू उसका एक कन्फेशन रिकॉर्ड करती है कि वो बद्रू के साथ मारपीट करता था और उसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर गांव जा रहा है। उस वीडियो को वो FB पर अपलोड करने को कहती है और फिर अम्मी जान हमजा पर बेलन से वार करके उसे बेहोश करके रेलवे स्टेशन की पटरियों में बांध देती है। जुल्फी पूछता है कि वो तो जाने वाला था, फिर उसने उसे क्यों मारा। बद्रू से वही बिच्छू और मेंढक की कहानी सुनाती है। हमजा को भी तब तक होश आ जाता है और वो बद्रू से रहम की भीख मांगता है। बद्रू यहाँ नहीं पिघलती, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि ये गलत है। वो हमजा की तरह बिल्कुल नहीं है और अगर हमजा उसकी वजह से मर गया तो वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वो हमजा के हाथ पैर खोल देती है और हमजा बद्रू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन बद्रू उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर हमजा उसे और उसकी माँ को फिर से अनाप शनाप बोलने लगता है और बोलते बोलते वो एक ट्रेन के नीचे आ जाता है और मर जाता है। लास्ट में हमें पता चलता है कि अम्मी जान ने अपने पति का कत्ल कर दिया था क्योंकि वो भी हमजा की तरह ही पागल थे और इसमें उस कसाई ने उसकी मदद की थी। और आखिरी सीन में हम बद्रू को उसकी ड्रीम लाइफ के मजे लेते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।